इस वीडियो में हम लोग 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे जिसे 288 से भाग करने पर पूर्णतया विभाजित किया जा सके। यानी कि सवाल जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यहाँ पर जिसे 288 से पूर्णतया विभाजित किया जा सके। तो हम लोग ज्ञात क्या करेंगे कि 5 अंकों की एक सबसे छोटी संख्या होगी जिसे 288 से पूर्णतया विभाजित किया जा सके। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 1 के आगे 4 जीरो लिख देंगे, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी यानी कि 10,000। ठीक है, अब 10,000 को हम 288 से भाग करेंगे। तो 288 से जब भाग करेंगे इसको 10,000 को, ये पहली बार तो 3 बार जाएगा, 3 मरतबे में हो जाएगा 864, और 864 तो ये बचेगा 6 और ये 3 और ये 1। ठीक है, इस जीरो को यहाँ लिखेंगे, अब ये 4 मरतबे जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 1152। अब 10 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 8, और 5 से 5 घटेगा 0, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, ये शेषफल बच गया 208। अब जो अभीष्ट संख्या होगी, यानी कि अभीष्ट संख्या बराबर आएगा, ये जो संख्या है इतना 10,000 प्लस ब्रैकेट में कर देंगे 288 माइनस 208, यानी कि इस वाले में से इसको घटा करके इसमें जोड़ देंगे तो हमें जो संख्या ज्ञात करना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस इसमें से जब घटाएंगे तो बचेगा 80, यानी कि आंसर जो होगा 10,080। ये अभीष्ट संख्या होगी, यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जिसे 288 से पूर्णतया विभाजित किया जा सकता है।